के बीजेपी दफ्तर से, लखनऊ के बीजेपी दफ्तर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ में ये बीजेपी का दफ्तर आप देख रहे हैं, जहां पर एक भारी हुजूम आपको देखने को मिल रहा है। ये सभी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के सपोर्टर्स, जिन्होंने लगातार बीजेपी की जीत के लिए दिन रात एक कर मेहनत की, काम की, और आज उनको सफलता हाथ लगी है। उनके परिश्रम की सफलता जब उनको हाथ लगी तो देखिए किस तरीके से जश्न में आज पूरा बीजेपी कार्यालय डूबा हुआ है। एक भारी हुजूम आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में इकट्ठा है, और अब से कुछ ही मिनटों में आपको बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं और संबोधित करेंगे अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, सपोर्टर्स को, और उनको बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या है। और ऐसा अमूमन हमने देखा है कि 2014, 2017 और 2019 के बाद शाम होते होते जैसे जैसे रुझान जो है वो जीत और हार के रिजल्ट के साथ तब्दील होते रहे, वैसे वैसे हमने देखा है कि बड़े पार्टी लीडर्स जो हैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। 2019 की वो तस्वीर वो कौन भूल सकता है, जब गृहमंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सपोर्टर्स के बीच पहुंचे थे, अपने समर्थकों के बीच पहुंचे थे, और वो विक्ट्री का साइन वो तो कोई भूल ही नहीं सकता, वो विक्ट्री का साइन जो दिखाया था। और आज भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ, अब बता दें आपको कि लगभग क्लियर हो चुका है, तो बीजेपी क्लियर मेजोरिटी के साथ आ रही है। और ऐसे में ये बीजेपी के जो लखनऊ का जो कार्यालय है उसकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर कुछ ही मिनट में यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को, अपने सपोर्टर्स को यहाँ पर संबोधित करेंगे, और ये जो 2 महीने लंबी लड़ाई, जो भीषण लड़ाई, भीषण जो रण लड़ा गया है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे अभी कुछ ही देर में आपको सुनवाएंगे। जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुँचेंगे और क्या कुछ कहेंगे वो आपको लाइव, बिल्कुल आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ, आपको लाइव बिल्कुल सुनाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी क्या कह रहे हैं अपने सपोर्टर्स को, क्योंकि 2 महीने तक बिल्कुल बहुत भीषण रण था, हर जगह रैली थी, सपोर्टर्स थे हर जगह, इधर से उधर, उधर से इधर, और हर पार्टी ने अपने अपने हिसाब से मेहनत की, लेकिन आज जब परिणाम आया है तो जीतता कोई एक ही है। तो ऐसे में आज योगी आदित्यनाथ साहब मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के, एक बार फिर अपनी पार्टी को यहाँ पर जितवा दिया है, मेजोरिटी में आया है, तो मोदी और योगी के नाम पर बीजेपी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जीतती हुई दिखाई दे रही है। और ये ऐतिहासिक, बहुत ऐतिहासिक दिन है, इसलिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए तो सीधे कहा जाता है कि दशकों से ऐसा हुआ ही नहीं कि ऐसा हो जाए कि कोई पार्टी रिपीट कर जाए, लेकिन आज देखिए ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां करती हैं, इनको शब्दों की आवश्यकता ही नहीं है, इन तस्वीरों को तो शब्दों की ज़रूरत ही नहीं है। 2017 में भी ऐसी ही तस्वीरें देखी थी, जब प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी सरकार बनाई थी, और आज देखिए एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दें कि पिछली बार से इस बार कुछ नुकसान हुआ है, नुकसान ज़रूर हुआ है, क्योंकि अगर अभी रुझानों की मैं बात करूं और जीत हार की जो तस्वीरें हैं, क्योंकि हर तस्वीर जो है वो जीत हार की नहीं है, यहाँ पर रुझान भी मिक्स है, रुझान भी प्लस करके मैं आपको बता रहा हूँ, तो 55 से 60 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो बीजेपी जैसे पिछली दफ़ा बीजेपी प्लस जो 325 दिखाई दी थी, वो इस बार 265 से 270 के आसपास कहीं ठहरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये बात और है कि अब कुछ भी हो, लेकिन मेजॉरिटी जो है बीजेपी के हाथ लग चुकी है, और मेजॉरिटी जब लग चुकी है तो ये भी तय है कि एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर दौड़ता हुआ दिखेगा, एक बार फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी, और एक बार फिर अखिलेश यादव को विपक्ष की भूमिका में ही बैठना पड़ेगा। तो 2012 में आखिरी दफ़ा अखिलेश यादव एकाएक मुख्यमंत्री बने थे, एकाएक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो चुनाव 2012 का समाजवादी पार्टी ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में लड़ा था, और 2012 में सरकार बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने अपने सुपुत्र, अपने पुत्र अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। 2016 से 2017 के बीच परिवार में ही आपसी फूट की तस्वीरें आई थी, और आपसी फूट में शिवपाल सिंह यादव उनके चचा अलग हो गए थे, लेकिन 2017 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी ने ऐसा सुपड़ा साफ किया समाजवादी पार्टी का, बहुजन समाज पार्टी का, कांग्रेस का, कि कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन 2022 में दर्शकों आपको बता दें कि लगातार इस तरीके की बातें की जा रही थी कि इस बार चुनाव टक्कर का है, इस बार चुनाव बहुत ज़्यादा टक्कर का है। लेकिन आपको बता दें कि सारी टक्कर अब धरी की धरी रह गई है, क्योंकि बीजेपी जो है वो मेजॉरिटी में चली गई।
योगी आदित्यनाथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे वैसे हम तुरंत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाएंगे आपको सबसे पहले। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम बार बार आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुलडोजर लगातार चुनाव में सबसे ऊपर रहा, टॉप पर रहा, और खुद बुलडोजर मुद्दा बन गया, और मुद्दा ऐसा बना कि आज बुलडोजर जो है वो जश्न भी मना रहा है। आपको याद होगी वो तस्वीर कुछ दिनों पहले की, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर से दिखाया था कि देखिए मेरी सभा में, मेरी रैलियों में अब बुलडोजर भी आता है। तो देखिए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये तस्वीर भी देख रहे होंगे कि उनके जीत के बाद उनके जश्न की तस्वीरों में भी बुलडोजर आता है। तो बुलडोजर दरअसल बारंबार नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए आप, बुलडोजर जो है वो लगातार आपको नजर आ रहा है, और बुलडोजर जो है वो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के एजेंडा की तस्वीरें थी उसके साथ आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो बलरामपुर से मेरे साथ योगेंद्र जुड़ गए हैं, बलरामपुर से सीधे लाइव लीजिएगा सर। योगेंद्र सर, सबसे पहले तो मुझको ये बताइएगा कि सुबह से लेकर अभी तक अब जब शाम होने को आई है, सबसे पहले तो रुझान की बातें थी लेकिन अब सीटों को लेकर बातें हैं, तो आसपास का जो माहौल है वो किस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है? जो बीजेपी के कार्यालय है, पार्टी कार्यालय है, वहां पर तस्वीर क्या कुछ है, इन चीजों पर थोड़ा सा क्लियर करिएगा सर। योगेन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, मेरी आपकी आवाज मुझे आ रही है। ठीक है योगेन जी, मैं आपसे ये कह रहा था कि आसपास देखिए अब बीजेपी जो है, हम हर जगह के देख रहे हैं कि पार्टी कार्यालय में जश्न का माहौल है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, मिठाई बट रही है, लड्डू बट रहा है, बताशे बट रहे हैं। तो आपसे मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आपके आसपास जो पार्टी कार्यालय है बीजेपी का, वहाँ किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का? जैसा कि मैंने बताया कि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से विजय हासिल की है या हासिल करने की ओर है, जबकि 1 सीट गैसड़ी विधानसभा जो है यहाँ से फंसी हुई है। तो उसके लिए जो तमाम तैयारी है पार्टी के कार्यकर्ताओं की, लोगों की, जो लगातार हुजूम आ रहा है यहाँ पर और लोग लगातार जो है पहुंच रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय यहाँ जहाँ पे वोटों की गिनती हो रही है, मतगणना जो स्थल है वहाँ से तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही है भारतीय जनता पार्टी के अटल भवन से, जिसे कार्यालय बलरामपुर कहा जाता है, वहां से साफ तस्वीरें आ रही हैं कि जश्न का माहौल है। तमाम जो प्रत्याशी हैं, उनके समर्थक हैं, तमाम जो नेतागण हैं वो पहुंच रहे हैं अपने पार्टी कार्यालय पर, मिठाइयां बट रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, और जो तमाम लोग हैं वो बधाइयां दे रहे हैं, बधाइयों को देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो तमाम वो चीजें इस समय हो रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ होनी चाहिए। और मैं अगर एक बात और जोड़ूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था, जो उसके साथ एंटी इनकम्बेंसी थी, वो जो है कहीं ना कहीं उसने खारिज करने का काम किया। एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर किसने किया, एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको यहाँ पर काउंटर किसने किया, आप अपने क्षेत्र का अगर बताएंगे पूरा? देखिए ये मंडल, मैं आपको बताऊं, जो देवीपाटन मंडल है वो देवीपाटन शक्तिपीठ के नाम पर जाना जाता है, तो शक्तिपीठ का यहाँ पर खासा प्रभाव नजर आता है, और शक्तिपीठ जिसकी तरफ झुकाव करता है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से उसको फायदा होता है। तो देवीपाटन शक्तिपीठ का चूंकि जो है ये गोरक्षनाथ पीठ से जो है संचालित किया जाता है, और गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर ही इसके मुख्य पीठाधीश्वर होते हैं, यानी कि योगी आदित्यनाथ से ये क्षेत्र पूरा खासकर सीधे जुड़ा हुआ है। तो जब बात योगी आदित्यनाथ की आती है, तो मंडल में जब उनकी 20 विधानसभा सीटों की बात आती है, तो पूरे मंडल में कहीं ना कहीं भगवा फहराता है। मैं आपको अगर बहराइच की बात बताऊं, तो वहां पर 7 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, 2 सीटें महज सपा के खाते में गई हैं, जबकि श्रावस्ती से जो है 1 सीट अभी भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, जबकि 1 सीट पर अभी काउंटिंग चल रही है। बलरामपुर जिले में 3 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है, जबकि 1 सीट पर काउंटिंग चल रही है। वहीं अगर गोंडा जिले की बात की जाए, तो वहां पर भी 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है और 2 पर काउंटिंग चल रही है। तो इस तरह की जो साफ तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं इस तरफ इंगित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो काम रहा, जो एंटी इनकम्बेंसी को सपा को भुनाना था और कांग्रेस को भुनाना था और बसपा को भुनाना था, वो जो है कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल हुआ। अब मैं आपको बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात की जाए, तो बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो या तो 3रे नंबर पे हैं या तो 4थे नंबर पे हैं, 2रे नंबर तक भी वो नंबर हासिल नहीं कर पाए, जबकि कांग्रेस कई जगहों पर अच्छी लड़ी है और वो कांग्रेस के लोग जो है 3रे नंबर पे आए हैं, 2रे नंबर पे आए हैं। तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने दूसरे तीसरे नंबर का योगेंद्र साहब करें तो क्या करें, जब 0.5% का वोट शेयर अगर आपको दिखाई दे
1% 2% ये वोट शेयर का क्या करेंगे फिर बताइए जी। वही मैं कह रहा हूँ कि जो विपक्ष को अपना मुद्दा गिनाना चाहिए था, जो अपनी बातें रखनी चाहिए थी, जो जनता के बीच काम किया जाना था पूरे 5 साल, वो काम नहीं कर पाई। और भारतीय जनता पार्टी की जब आप बात करते हैं तो उसे राजनीतिक पंडित कहते हैं कि वो एक इलेक्शन मशीन है, वो हर समय जो है इलेक्शन के मूड में रहती है। वो चाहे उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हो या उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव हो या पूरे देश में कहीं कोई चुनाव चल रहा हो, तो भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन के मूड में होती है और लगातार वो इलेक्शन के तहत ही काम करती है। तो ऐसे में उसका जीतना भी यहाँ पे लाजमी दिखाई देता है, क्योंकि जब आप जनता से सीधे जुड़े रहेंगे। मैं अगर सदर विधानसभा सीट की बात करूं, यहाँ से पलटूराम जिन्हें फिर से जीत हासिल की है, तो पलटूराम गोंडा के रहने वाले हैं। अब गोंडा में उनका घर होने के बावजूद उन्होंने पिछले 3 साल पहले यहाँ पर जो है अपना घर बनाया, क्षेत्र में लगातार बने रहे, लोगों के साथ जुड़े रहे। जबकि जो समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार जगराम पासवान है, वो जो है लगातार कोशिश करने के बावजूद भी, यही के रहने वाले होने के बावजूद भी, वो लगातार जो है जनता से नहीं जुड़ सके। कांग्रेस के पास अब ऑप्शन क्या है, क्योंकि उनके जो प्रदेश अध्यक्ष के पास कमान थी, जो घोड़ा चला रहे थे कांग्रेस का, वो तो खुद ही लुढ़क गए उससे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, राहुल गांधी 2017 में आए, राहुल गांधी यहाँ पर नाकामयाब साबित हुए, वो वापस चले गए। तीसरी चीज।